क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पर। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेन करने होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। यहां पर मैं सिर्फ 5 कॉमन और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि हर एक इंडस्ट्रीज मेंटेन करती है। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डेली प्रोडक्शन प्लान। डेली प्रोडक्शन प्लान के अंदर आपको 4 मेन डिटेल्स मिलती हैं, जिसमें प्रोडक्शन टारगेट यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नाम, पार्ट नंबर और जिस मशीन पर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है उसकी डिटेल आपको डेली प्रोडक्शन प्लान में मिल जाती है। बट सम अदर इंडस्ट्रीज जिनमें की प्रोडक्शन प्लान साइमल्टेनियसली चेंज किया जाता है यानी फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाता है, वहां पर मशीन की डिटेल नहीं मिलती है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी सूटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेट करती है। तो डेली प्रोडक्शन प्लान में मेनली प्रोडक्ट की क्वांटिटी, पार्ट नंबर, पार्ट नेम स्पेसिफाई रहता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो होता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद प्रिपेयर करता है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट में होने वाले ऑपरेशन, प्रोडक्ट में यूज होने वाली मशीन्स जो कि प्रोसेस के लिए बनाई गई है और इस प्रोसेस को ऑपरेशन में कंटिन्यू करने के लिए जो ऑपरेटर्स या मैन पावर यूज की जा रही है उसकी डिटेल, प्लस साइकिल टाइम और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ, ये सारी डिटेल डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में दी जाती है। वैसे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो हर इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करती है। TS 16949 के अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो भी कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं उसमें होने वाले ऑपरेशंस की डिटेल डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी जाती है। ये फॉर्मेट अलग अलग इंडस्ट्री अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, यह है डेली मशीन चेक शीट्स। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो यहां पर डेली मशीन चेक शीट्स भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है, जिसमें मशीन की कंडीशन, मशीन में यूज होने वाले हाइड्रोलिक ऑयल, न्यूमेटिक प्रेशर, इन सब की डिटेल दी जाती है। यानी कि मशीन की हेल्थ चेकअप के लिए जो लिस्ट दी जाती है उसे डेली मशीन चेक शीट या डेली मशीन हेल्थ चेक शीट भी कहा जाता है, इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। अब मैं बताता हूं कि फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, डेली टूल कंजम्पशन रिपोर्ट। डेली टूल कंजम्पशन रिपोर्ट उन इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है जिसमें टूल का कंजम्पशन फ्रिक्वेंटली होता है यानी कि बहुत ज्यादा होता है। डेली टूल कंजम्पशन रिपोर्ट की जगह पर आप वीकली टूल कंजम्पशन रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर फ्रिक्वेंटली टूल का कंजम्पशन नहीं है। अब जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो मैं बता देता हूँ, वो है डेली रिजेक्शन रिपोर्ट। ज्यादातर ये डेली रिजेक्शन रिपोर्ट क्वालिटी इंजीनियर्स ही बनाते हैं, बट लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन दोनों ही डिपार्टमेंट डेली रिजेक्शन रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इनिशिएशन डेली रिजेक्शन रिपोर्ट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, देन फाइनलाइजेशन यानी कि कन्फर्मेशन क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है फॉर रिवर्क, रिजेक्शन और एनी अदर डिसीजन। तो ये जो 5 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डेली प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और ये डॉक्यूमेंट्स या तो प्रोडक्शन इंजीनियर प्रिपेयर करता है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर प्रिपेयर करता है एंड वेरीफाइड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पीपैप एग्रीमेंट क्या होता है और पीपैप एग्रीमेंट और अप्रूवल के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।